कैसा रहा तजुर्बा? ठीक रहा, अच्छे किरदार की लड़की है। तंस कर रही, मोहब्बत से पेट नहीं भरा जाता। तुम इतना कुछ लेके निकले थे घर से, मेरे पास भी वलीद का दिया गया कुछ हकमह का पैसा बचा हुआ, सब मिलाओ कोई दुकान ही देख लो। कि जिंदगी के हर सुख दुख में हम हमेशा एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे की इज्जत करें। इंशाल्लाह। अकबर, आप देख लीजिएगा, इस लड़की ने शादी सिर्फ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए की है, उसे वलीद की कोई परवाह नहीं है। ये आपने कैसे सोच लिया? आप माने या ना माने, हुमैरा आपकी नस्लों को संवार दे। नस्लें होंगी तब ना। ये तो अल्लाह के मामले हैं हाजा जी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात याद रखें कि एक अच्छी माँ एक अच्छा माशरा और एक अच्छी कौम बनाती है। आपको तो बस मेरी मुखालफत से मतलब है, हर वक्त आपको मेरी मुखालफत ही करनी होती है ना। अरे आपसे मुखालफत करके हमने क्या करना है हाजा जी, हम तो आपके साथ साथ हैं, बल्कि आपके पीछे पीछे, जो आप कहेंगी हम वही करेंगे। आइए खाना खाते हैं। चले, खाना लगा हुआ है, खाना खा लें। हम तो आपके पीछे पीछे हैं, जहां कहें आ रहे हैं जी। चले। खाना तो अच्छा था जी। एक बात बताएं मुझे, आपने अपनी बहू को कोई तोहफा नहीं दिया? अरे मैंने अपना इतना अच्छा कमाऊ पढ़ा लिखा जहीन बेटा उसके हवाले कर दिया, और क्या चाहिए। वैसे अकबर, आपने देखा बच्चों को उसने बिल्कुल तमीज नहीं सिखाई, कितनी बुरी तरह हाथों से चावल खा रहे थे। ये देखे ना कि उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना शुरू किया। वो तो ठीक है, मगर अब हमारे घर कोई मेहमान आएंगे, उनके सामने अगर उन्होंने इस तरीके से खाना खाया तो कितना बुरा लगेगा। नहीं, उनको बता देंगे कि भाई हमारे बच्चे अभी कांटे छुरे से खाना सीख रहे हैं, अभी हाथों से ही खा रहे हैं। फिर उनको क्या बताएंगे कि ये बच्चे हैं कौन। अरे हाजरा जी, आपके बेटे ने अपनी पसंद से शादी की है तो आपको क्या मसला है। मुझे हुमैरा से मसला नहीं है, मुझे मसला उन बच्चों से है। और आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगी मेरी बात। अरे हमें क्या पता चलना है जी, हमें तो ये पता चल रहा है कि आप अपने बच्चों की सोचों में हमें भूलती जा रही हैं। ऐसे तो ना करें हजरत जी, हमारा ख्याल रखा करें। बच्चों ने भी तो मुझे पागल किया हुआ है ना, क्या करूं। अच्छा चले, अब आप मुस्कुरा दें, खत्म, बाकी टेंशन छोड़ें। अभी ये घर कितना बड़ा और अच्छा है, और ये कमरा भी कितना बड़ा है, और हमारे पुराने घर में छोटा सा कमरा था। हाँ बेटा, लेकिन अब इस घर को तुमने गंदा भी नहीं करना, और अपनी दादी और दादा को भी तंग नहीं करना, और अपने अब्बू को भी परेशान नहीं करना, और किसी बात के लिए जिद भी नहीं करनी। भाई अपने अब्बू को नहीं परेशान करेंगे तो फिर किसको परेशान करेंगे ये है? वैसे भी इतने दिनों बाद तो अब्बू मिले, अब हम खूब एंजॉय करेंगे। मैं आपको बहुत सारी वीडियो गेम्स भी लेके दूंगा, बहुत सारी शॉपिंग भी कराऊंगा, आइसक्रीम भी खाएंगे, ठीक है? ये वलीद, आप इनको बिगाड़ दें। ये कभी नहीं बिगड़ेंगे क्योंकि ये मेरे बेटे हैं। अब आप शो जाओ, एक गेम रोकेंगे, ठीक है? चल मेरे बेटा। अच्छा मैं आती हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? वेरी नाइस, दिखाओ मुझे, दिखाओ। Very nice, चलो। प्यारा बच्चा है ना, हर दिन फजर की नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना
वो मुश्किलात हल हो जाएंगी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। ये क्या हो मेरा, सुबह सुबह तुमने फजर के वक्त बच्चे को उठा दिया? अम्मी, इसी उम्र में तो आदतें पुख्ता होनी चाहिए, और ख़ास करके नमाज की आदत। अच्छा दानियाल, तुम जाके सो जाओ बेटा, ठीक है? फिर थोड़ी देर बाद स्कूल के लिए। ठीक है अम्मी। अलाफिस दादी। अलाफिस अम्मी। अलाफिस बेटा। अरे अम्मी, आपको पानी चाहिए था, मुझे बता दी थी मैं लेके आती। हाँ, वो शायद सुरैया रात को रखना भूल ही गई। कोई बात नहीं, मैं लेके आती हूँ। अच्छा बेटा, शुक्रिया। बेगम साहिबा पहले ऐसी नहीं थी, सायरा की हरकतों और उनकी बीमारी की वजह से बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई हैं। बुरी बात इस तरह नहीं कहते, जाहिर से बात है जिस घर में एडजस्ट होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना, इसमें सायरा का क्या कसूर है? क्यों क्यों कसूर नहीं है? वलीद भाई को धोखा दे के उनके छोटे भाई से निकाह कर लिया। क्या? बड़ी बेगम साहिबा तो शर्मिंदगी के मारे किसी को बताती भी नहीं कि उनकी बड़ी बहू ने तलाक ले ली और छोटे बेटे से निकाह कर लिया। और तो और, जैद भाई घर का सफाया भी कर गए। ये तुम क्या कह रही हो? इसी वजह से तो बड़ी बेगम साहिबा हर वक्त बुखलाई भी सी रहती हैं। गलत बात, इस तरह नहीं कहते। जाहिर सी बात है, घर में मसले मसाइल हों तो इंसान परेशान हो जाता है। मैं जाके देखती हूँ, अगर वली टूट गए तो मैं उनके लिए नाश्ता बना दूँ। जी। अरे हुमैरा, हुमैरा। जी अम्मी। इन बच्चों को समझाओ, ये कोई फुटबॉल खेलने की जगह है? बाहर जाकर खेलें। सारा दिन घर में दंदनाते फिरते हैं, सुकून बर्बाद कर दिया है मेरा। चोट लग गई मेरे इतनी जोर से। राहील, दानियाल, देखो आपकी वजह से दादी जान को चोट लगी है। दानियाल सॉरी बोलो दादी को। सॉरी दादी। इनको समझाओ, ये कोई गली मोहल्ला नहीं है, यहाँ का रहन सहन और है, समझी तुम? मैं समझा दूंगी अम्मा। चलो बाहर खेल, आ जाओ आ जाओ, रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आज जल्दी आ गए। एक्चुअली आज मैं स्टोर गया ही नहीं। ये देखो। ये क्या? नए स्कूल का एडमिशन फॉर्म? एक्चुअली वो स्कूल बहुत दूर है बच्चों के लिए, सो बच्चे अभी स्कूल में जाएंगे। लेकिन वलीद, ये तो बहुत महंगा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। बच्चे मेरे, मैं अफोर्ड करूं, आप क्यों टेंशन ले रही? नहीं, वो मैंने अपना पुराना घर रेंट पे दे दिया है, तो बच्चों के जितने भी अखराजात होंगे मैं उसी से पूरा करूंगी। किस किस्म की बातें कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मेरा, वो घर बच्चों के बाप की विरासत है, अगर वो उसको रेंट पर देकर उसके रेंट से अपने बच्चों की तालीम मुकम्मल करना चाहती है तो उसमें बुराई क्या है? वैसे भी वो बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। दानियाल और राहिल मेरे बेटे हैं, उनकी हर जिम्मेदारी पूरी करना मेरा फर्ज है। मामा, आज तो आपने ये बात कह दी, प्लीज आइंदा मत कहिएगा। पराए बच्चों के लिए तुम अपनी माँ से इस तरह बात कर रहे हो? वलीद, अम्मी ठीक कह रही हैं। नहीं मेरा, मामा ठीक नहीं कह रही, ये मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। मामा, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो स्कूल कितना महंगा है? सो व्हाट, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को हॉस्टल भेज दो। प्लीज फॉर गॉड सेक, मैं तुम्हें उन बच्चों पर इतनी फजूल खर्ची नहीं करने दूंगी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए,
वो बच्चे मेरे हैं और अब मेरी जिम्मेदारी है। और वो गली मोहल्ले के स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, आला तालीम हासिल करेंगे, एक अच्छे स्कूल में जाएंगे। और आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं? जी, खुदगर्ज का क्या हो गया वलीद को? मैं खुदगर्ज हूं? दादी दादी, आपकी तबीयत ठीक है? चक्कर आ रहा है मुझे, कमरे में ले चलो। जी, चले चले। दादी जान, आप दवाई खा लें। हाँ बेटा, मुझे उठा दो मेडिसिन। कौन सी, ये वाली? हाँ, पानी। दादी जान, आप लेट चल। दादी जान, मैं आपको सर दबा दूं? नहीं, अब बेहतर हूं मैं। यार ला, मेरी दादी जान को जल्दी ठीक कर दे। दानियाल जी, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। शुक्रिया दादी। अब आप आराम कर लो। ठीक है बेटा। आप मुझसे बाप होने का हक छीन रही हैं। क्या चाहती हैं आप? मैं अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग भी ना करूं? वलीद, मैं नहीं चाहती कि राहिल और दानियाल आपके लिए ताना बने। दानियाल और राहिल कभी मेरे लिए ताना नहीं बन सकते, और आपने भी तो मेरे लिए अपने असूलों का समझौता किया। और जिस तरह इन बच्चों को मैं अपनी औलाद मानता हूँ, वो भी तो मुझे अपना बाप मानता। प्लीज, आप इस तरह की बातें करके मुझे शर्मिंदा ना किया करें। प्लीज, आप अम्मी की बात मान लें। और बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज दें। मैं मर तो सकता हूँ, लेकिन कभी भी बच्चों को खुद से और आपसे जुदा नहीं कर सकता। मामा गलत सोच रही, और इस सोच में मैं उनका साथ नहीं दे सकता। वलीद, इस घर का माहौल मैं बच्चों की वजह से खराब होने नहीं दूंगी। मैं अपने बच्चों के अखराजात खुद उठाऊंगी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। ये वाकई किसी मौजज़े से कम नहीं, तो यकीन नहीं आ रहा। हाँ, आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। गुड शॉट, यस यस यस। ये मामा सिक्सर। ये जबरदस्त जबरदस्त। हम भी खेलेंगे क्रिकेट।
आउट 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 आउट। दादी ये वाला। अरे बेटा ये खत्म हो जाने दो ना, देख रहे राहिल, देखो तुम भी देखो ना। लगा दे रहा हूँ। लगा देती हूँ, अभी लगाती हूँ, बस थोड़ा सा रह गया। अरे दानियाल, राहिल क्यों अपनी दादी को तंग कर रहे हो? अरे भाई उमेरा, दादी पोतों के दरमियान मत बोलो तुम, और हाँ मेरे सामने इन बच्चों को डांटा भी मत करो। लेकिन हम ये आपको बिला वजह परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि मेरा बचपन लौट आया है। अब बच्चों से ज्यादा प्यार कोई भी नहीं कर सकता। अभी वो मैं पूछने आई थी कि आज खाने में क्या बनाऊं। अरे जो दिल चाहे बना लो, बल्कि जो बच्चों को पसंद हो वही बना लो। जी दानियाल, तो क्या बनाऊं आज खाने में? बिरयानी। बिरयानी ठीक है। राहिल चलो बेटा, तुम दादी को तंग करो, चलो मेरे साथ। अरे नहीं नहीं, इसे मेरे पास रहने दो, तुम बिरयानी बनाओ। ठीक है, लेकिन दानियाल दादी को ज्यादा तंग नहीं करना। ये देखो, ओए ये क्या गल है? तो मैं तुम्हें दिखा रही थी, ये मेरी शादी की पिक्चर है, देखो ये जब तुम्हारे दादा अब्बू के साथ मेरी शादी हुई, जब की पिक्चर है, इतनी पुरानी है ना। और ये मेरी फ्रेंड्स हैं सारी, हमारी जब शादी हुई थी तो ये सारी फ्रेंड्स आई थी। हाँ और मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बू की पिक्चर दिखाती हूँ, जब वो तुम्हारी बराबर के थे। ये देखो, बहुत क्यूट है अब्बू। लेकिन ये कौन है? ये तुम्हारे चाचू। ये कुछ भी नहीं, हमारे कुछ नहीं लगते, कुछ नहीं लगते हमारे। बेटा दादू के लिए पानी ले आओ। ठीक है दादू। हाजरा जी, आप उनके लिए क्यों आंसू बहा रही हैं, जिन्होंने हमारे चेहरों पे स्याही मल दी? पूरा एक साल हो गया, पर एक साल जैद को देखे हुए। एक साल से तड़प रही हैं आप जैद के लिए, जैद को तो हमारा ख्याल ना आया। अगर ये बच्चे ना होते तो कैसे गुजरता हमारा साल? ये तो मांगे के खिलौने, हमारा अपना तो कुछ भी नहीं। हाजरा बेगम ऐसा क्यों सोचती? हुमैरा ने अपना प्यार और खलूस दिया है, ये काम है क्या? हाँ ये तो ठीक है, हुमैरा ने वाकई बहुत सुकून दिया है, मगर हमने भी तो उसके पराए बच्चों को अपना बनाया है। एक साल से मैंने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी, और मेरी पोती मुझसे इतनी दूर है। ये एक साल मैंने कैसे गुजारा ये मैं ही जानती हूँ। ठीक कहती हैं आजा जी, फातिमा फातिमा। ये ले दादी। जीते रहो बेटा। दादी और तस्वीरें दिखाना। आओ बेटा आओ, दिखाती हूँ। तुम्हारे अब्बू की सालगिरह की तस्वीर दिखाओ। ये उनकी पहली सालगिरह हुई थी, ये उसकी तस्वीर है। देखो कैसे उनका हाथ पकड़वा के केक कटवा रहे हैं, देखा? और ये जब उन्होंने पहली दफा साइकिल चलाई थी, जब की तस्वीर है। जी जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, आज शाम को आ रहा हूँ आपके पास, पेमेंट कर दूंगा मैं। जी जी पक्का, अल्लाह हाफिज। सायरा वो 50,000 रुपये चाहिए। 50,000 रुपये क्यों चाहिए?
उसको फ्लैट का रेंट देना है इसलिए। तो मुझसे क्यों मांग रहे हो दो रेंट? जो पैसे मेरे पास थे सब खत्म हो चुके। इतने सारे पैसे खत्म कर दिए तुमने? खजाना था कारों को जैसे, जो खत्म ना होते। सारा मेरी बात सुनो, सब पैसे खत्म हो चुके हैं, हमें अपना हाथ खींच के चलना पड़ेगा, खर्चे कम करने होंगे, कहीं ये ना हो कि ये फ्लैट भी खाली करना पड़े हम लोगों को। जिस बात का डर था वही हुआ। कहती थी कुछ कर लो जिंदगी में, इतनी सारी दुकानें तुम मुझे फजूल में दिखाते रहे हो। मैं तो शादी करके फंस गई हूं तुमसे, अब इस हालत में कहां धक्के खाती फिरूंगी। ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, मैं बंदोबस्त करता हूँ कुछ। इतने महीने में तो कुछ हुआ नहीं तुमसे, अब क्या कर लोगे तुम? कर लूंगा कुछ ना कुछ, मैं प्लीज परेशान नहीं हो। और कुछ ना हुआ तो गुड्डा बेच के इस घर का रेंट दे देना, मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाने वाली। किससे शादी करके फंस गई हूं? यहाँ कोई चीज चाहिए थी? अरे नहीं, मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ कहने की, तुम तो अब मुझे हिल के पानी भी नहीं पीने देती। ये तो मेरा फर्ज है अम्मी। बहुत सुख दिए हैं तुमने मुझे, अगर मेरी अपनी बेटी भी होती ना तो इतना सुख ना देती। अब वो बेटा, मैं ये कह रही थी कि तुम्हारी शादी को काफी अरसा हो गया, मेरा ख्याल था कि किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। जी अम्मी। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है दानियाल और राहिल हैं, मगर फिर भी बेटी की कमी तो है ना वलीद की जिंदगी में। लेकिन फातिमा भी तो मेरी बेटी है ना अम्मी। फातिमा कौन सी उसकी गोद में है, बेटे तो मिल गए उसे, मगर बेटी का अरमान तो होगा ना उसके दिल में। वो कहता नहीं है मगर उसके दिल का हाल मैं जानती हूँ। मगर अम्मी, वलीद ने तो कभी ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया मुझसे। मैं जानती हूँ ना कि उसके दिल में क्या है। फातिमा के जाने के बाद जिस तरह वो तड़पा है तुम सोच भी नहीं सकती। किसी से कुछ ना कहना, सब्र करना, ये उसने अपनी आदत बना ली। मगर उसका अरमान तो है ना। औलाद तो अल्लाह की देन है अम्मी, अगर वलीद के नसीब में है वह तो बेटी भी हो जाएगी। बेशक, मगर बेटा मेरी खुशी के लिए एक बार डॉक्टर के पास चलो, मैं खुद लेके चलूंगी तुम्हें। जैसे आपकी मर्जी होगी। जीती रहो बेटा। मैं आपके लिए चाय। अरे नहीं, तुम चाय पियो, मैंने अभी पी है चाय। अच्छा, मैं अपने कमरे में जरा आराम करने जा रही हूँ। कैसी तबीयत है तुम्हारी? एक कप चाय बना दो प्लीज। खुदा का खौफ करो जैद, मेरी हालत देखो और अपनी फरमाइशें। एक मिनट भी आराम नसीब नहीं है मुझे।
सब औरतों के साथ यही होता है। जी नहीं, उनको आराम नसीब होता है, अच्छी खुराक मिलती है। मुझे तो विटामिन्स भी नहीं ला के दिए तुमने, फॉलिक एसिड भी भूल गए थे। तो मैं क्या करूं? डॉक्टर ने मुझे मेरे अपने टेस्ट लिख के दिए हुए हैं। मैं तो बस ये पेन किलर पे गुजारा कर रहा हूं। दुआ करो कोई जॉब मिल जाए, वरना ये फ्लैट खाली करना पड़ेगा। अब क्या हुआ? आंखों के सामने अंधेरा छा गया। खुदा के लिए तुम अपना इलाज कराओ, हम तो नौकर भी नहीं रख सकते। परेशान नहीं हूं, मैं चाय बनाता हूं। आंखों के सामने अंधेरा आ गया। अंधेरा, जिंदगी में अंधेरा आ गया है। हशमत भाई। अस्सलाम वालेकुम हशमत भाई, कैसे हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा कैसी है? जी फातिमा भी बिल्कुल ठीक है। मैं देख सकता हूँ फातिमा को? आई थिंक सो रही है अभी। आप उनसे कहें ना कि सोते हुए फातिमा को दिखा दें। बस एक झलक दिखा देना फातिमा की प्लीज। अरे क्यों नहीं, मैं अभी मिलवाता हूँ। जी मैं जा रहा हूँ उसके कमरे में। जी वली, ये रही आपकी फातिमा। बेटी का अरमान तो होगा ना उसके दिल में, वो कहता नहीं, मगर उसके दिल का हाल मैं जानती हूँ। कितनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी, मेरा ही देखो। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है ना? कैसी है फातिमा? माशाल्लाह। अच्छा वलीद, एक और गुड न्यूज़ है, वो ये कि तहमीना भी प्रेग्नेंट है। माशाल्लाह, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। चलें, फातिमा उठती है तो मैं आपकी बात करवाता हूँ। जी ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वलीद प्लीज, आज इतने अरसे बाद मैंने अपनी बेटी को देखा, कितना बदनसीब बाप हूं ना मैं, अपनी बेटी को सीने से नहीं लगा सकता, उसे ये भी नहीं बता सकता कि मैं उसका। आपको फातिमा बहुत याद आती है। मैं उसे भूल ही नहीं पाता, उसे भूल नहीं। ये बेटियां कितनी प्यारी होती है ना, चाहे जितनी भी दूर चली जाए हमेशा बाप के दिल के करीब रहती। आप उसको वापस क्यों नहीं लेके आते? नहीं उमेरा, ये उसके साथ जुल्म होगा। मैं अपनी खुशी के खातिर उसकी खुशियों भरी जिंदगी को खराब नहीं कर सकता। वो तो तहमीना और हशमत को ही अपना माँ बाप समझती है, मैं तो उसके लिए बस एक अजनबी हूँ और कुछ नहीं। लेकिन वलीद कब तक, आप कब तक अपने दिल को समझाते रहेंगे, कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे उसकी जुदाई? जब तक कुदरत को मंजूर होगा। लेकिन अब तो उनकी अपनी औलाद भी होने वाली है। चाहे कुछ भी हो, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे।
और मुझे यकीन है कि वो वहां बहुत खुश होगी। चाय। थैंक यू। जैद, जैद, हाँ? जल्दी आओ भाई। आ रहा। क्या बात है, क्या हुआ है? मुझे हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? इतनी रात को? मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, तुम्हें समझ नहीं आ रही? किसी को कॉल करो, रिक्शा बुलाओ, टैक्सी बुलाओ। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। टैक्सी लेके आता हूँ, ठीक है? तुम यहाँ बैठो, टैक्सी लेके आता हूँ। नहीं, मुझे साथ लेके चलो, उठाओ। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। किसी को कॉल तो करो। काम डाउन, काम डाउन। जी डॉक्टर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके यहाँ बेटी हुई है। अल्लाह का शुक्र है। मेरी वाइफ कैसी हैं? आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक हैं और आपकी बेटी भी बिल्कुल ठीक है। हम थोड़ी देर तक उनको रूम में शिफ्ट कराते हैं। जी, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? जी जी, आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह तेरा शुक्र है। कहाँ गई थी आप? वो अम्मी के साथ गई थी डॉक्टर के पास। बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट आई हैं। मैंने सोचा आप चेकअप करा लूं। मेरे ख्याल से 2 महीनों में ये आपका चौथा विजिट है। हाँ, तो चेकअप कराने में क्या हर्ज है? हर्ज ये है कि जब आपकी रिपोर्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं तो फिर बार बार चेकअप क्यों करवा रही हैं? आपको औलाद नहीं चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी औलाद है, 3 बच्चों का बाप। क्यों कर रही हैं आप ये सब? आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है वलीद, मैंने आपको बेटी के लिए रोते हुए देखा। बेटी? हाँ, मुझे भी बेटी चाहिए। नाम क्या रखना है इसका? मेरी पहली औलाद है। अल्लाह हमारी औलाद को नेक और साले बनाए। आमीन। सुना आमीन। साले। देखो, मुझे नाम भी समझ में आ गया। क्या? सालेहा। बहुत प्यारा नाम है। साहिरा।
मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? हम अपनी बच्ची को यहाँ से कहीं दूर लेके चले जाएंगे, चाहे मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी क्यों ना करनी पड़े, मैं करूंगा, पर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगा। इस बात का क्या मतलब है जैद? साहिरा, वो मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी है, घर का रेंट भरने के पैसे भी नहीं मेरे पास। हमें यहां से कहीं और जाना होगा। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जो मर्जी करो, मैं अपनी बच्ची को इसी घर में रखूंगी अपने साथ।